श्रीलंका फाइनल में आ एशिया व्यूअर हमें क्या चाहिए हमें मैचेस और वो फाइनल में हार गए बिहेव करे और पूरा डेड हो जाए सारा बॉल इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं मुझे स्पेशली कि मैं बोलूंगा तुम जो चुहा बिल्ली के खेल में ना हमारी तो हेल्थ की हो रही है पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए सोलह हो दस में पिकनिक पॉडकास्ट और मेरा नाम नबील है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एशिया कप जो कि स्टार्ट होने वाला है श्रीलंका और पाकिस्तान में खेला जाएगा इस दफ़ा का श्रीलंका पाकिस्तान श्रीलंका पाकिस्तान तो उस पर थोड़े से डिस्कशन करता हूँ और तो क्या कहना चाहोगे हमारे एशिया कप के बारे में क्या चांसेस लगना तुम्हें यार चांसेस तो खैर बहुत ज़्यादा ही हम अर्ली प्रोडिक्ट देंगे अभी जरा एपिसोड शुरू करते हैं लेकिन यह है कि दैट्स अ वेरी गुड टूर्नामेंट आई वुड से जो हमें बिजी रखेगा इस बिजी से अक्टूबर में सितंबर अक्टूबर हाँ। uh, में या बल्कि सितंबर सितंबर में ज़्यादातर मिड ऑफ सेप्टेम्बर में ख़त्म हो रहा है लेकिन यह है कि जो मसूसियात चल रही हैं हमारी तुम्हें पता ही नबील तो या yeah.

ठीक है अच्छा तो एशिया कप का फॉर्मेट इस दफ़ा जो है फिफ्टी ओवर क्रिकेट है यानी कि ओडियाइज है हर दफ़ा ऐसी होता है जिस तरह का वर्ल्ड कप आ रहा होता है उसी तरीके तरीकेट फॉर्मेट कर लेते हैं।, हैं लास्ट टाइम टी ट्वेंटी था क्योंकि टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप आने वाला था इस वक्त फिफ्टी ओवर है तो वही लास्ट ईयर वाली सिचुएशन है पोटेंशली अगले कोई दो महीने में हम लोग चार इंडिया पाकिस्तान मैचेस पोटेंशली देख सकते हैं हाँ क्योंकि पहले एक आ, लीग मैच होगा पाकिस्तान इंडिया का सही है तो छह टीम्स हैं क्योंकि तो छह में से जो चार क्वालिफाई करेंगे वो आगे जाएंगी तो फिर वो आपस में खेलेंगी और फिर एक फाइनल होगा तो जो छह टीम्स हैं उनमें से ऑफ कोर्स पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश और अफगानिस्तान नेपाल हैं तो चांसेस हैं कि नेपाल और वन अदर टीम शुड मिस आउट पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए सोलह दस सही है और इंडिया को भी नहीं होना चाहिए तो फिर पाकिस्तान इंडिया का एक और मैच आएगा जो वो चार टीम्स आगे जाएंगी और उसके बाद फिर उन दोनों में से दो टीम्स फाइनल खेलेंगी तो अब देखा जाए तो हाँ फिर एक और पोटेंशियल मैच है कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो जाए लेकिन एशिया कप में हमेशा से ऐसा होता रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के हार्डली एवर फाइनल्स हुए हैं मुझे मेरे ख्याल से जहाँ तक कि मुझे याद पड़ रहा है एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया के शायद फाइनल एक या दो होंगे हार्डली और तो श्रीलंका यूजली फाइनल में आ जाता है एशिया कप में पता नहीं किस तरह से करके लास्ट टाइम तो जीत भी कहते हैं हम हाँ। लोग को भी वो बड़ा समझते को है, हाँ। वो हमेशा ही ऑलमोस्ट सबसे फाइनल खेला है सबसे ज्यादा सबसे फाइनल उन्होंने सबसे खेला तो आ, तो हाँ तो तीन मैच ये हो जाएंगे और फिर ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप का मैच आ जाएगा तो चार मैच हो जाएंगे पाकिस्तान टीम के द नेक्स्ट जो कि मतलब लाइक like, हमें ऑक्योपाइड रखे हैं काफ़ी तो आ, अब बात कर लेते हैं मैचेस की जरा पोजीशनिंग की तो लाइक जो लोकेशन है मैचेस की तो चार मैचेस पाकिस्तान में होंगे वो काफ़ी डिबेट चली थी उस पर एशिया कप कहाँ होना चाहिए काफ़ी आर्गूमेंट ये है वो दोनों बोर्ड्स और वो जो सारा हुआ था तो अल्टीमेटली एक डे hmm. था विल नॉटि uh, hmm. वो लोग भी नहीं आ रहे पाकिस्तान पाकिस्तान ने बोला था एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा तो थोड़ा बहुत एशिया कप हो ही गया पाकिस्तान में तो आई थि गुड कॉल इन देंड वोर्स वो पोलिटिकल टेंशन की बुनियाद पर वो बातें हो रही थी इधर से भी और फिर ये भी आगे से रिबड़ल कर रहे थे एट द एंड ऑफ द डे एज अ व्यूअर हमें क्या चाहिए हमें मैचेस देख रहे हैं इट्स नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया ऑफकोर्स अ हीटेड मैच ऑलवेज इट हैजेज बीन अटेड मैच कैंड वी इन्जॉय दैट मैच यू नो ऑल द टाइम और व्यूअरशिप भी आती है लेकिन हम अंडरडॉक समझ रहे हैं दूसरी टीमों को आई एम इक्वली थिंकिंग अबाउट अफगानिस्तान डेडली टीम है श्रीलंका एज यू कैन सी द स्टेट्स छायद छह ही छह चे दफा चैंपियन रह चुकी है फाइनल बेतहाशा खेली है और बांग्लादेश और पाकिस्तान पाकिस्तान तो श्रीलंका बहुत ज्यादा विल बी इन श्रीलंका अच्छा मुझे पता नहीं कि अगर इंडिया नहीं पहुंचा फाइनल में पाकिस्तान पहुंचा विध नॉन एनी नॉन इंडियन मैचेस कैन बी प्लेड इन पाकिस्तान में तो श्रीलंका so, में, so, में फाइनल होगा और श्रीलंका अगर पहुंच गया तो व्हाट हैपन इन दुबई इन फाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान यंग टीम

क्या कहते हैं प्रोडिक्शन लेकिन ये जो छः टीम्स हैं और जो दो न्यू टीम्स हैं नेपाल एंड अफगानिस्तान uh, उसमें अफ़गानिस्तान फॉर श्योर डेडली टीम होगी अ गुड कॉम्बिनेशन हाँ हमें बलाए ताक नहीं रखना चाहिए पाकिस्तान और इंडिया की परफॉर्मेंसेस इंडिया ऑफ कोर्स ऑन टॉप सेवन टाइम्स चैम्पियन लेकिन पाकिस्तान वॉज प्लेइंग एल पी एल

अच्छा इंडिया वैसे तो लाइक ऑफकोर्स नो दे वेरी वेरी गुड टीम लेकिन एक अभी इंडिया का सेटबैक हुआ है अभी रिसेंटली वो ये है कि वेस्ट इंडीज में ये लोग uh, जो है हालांकि ये लोग सीरीज भी एक तो टी ट्वेंटी सीरीज हार बल्कि वो तो हार ही गए uh, नहीं थ्री टू हार है क्योंकि थी ना अच्छा तो थ्री टू हार गए वनडे में आई थिंक वो एक वनडे हार गए थे शायद मेरे ख्याल से आई थिंक जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है इतनी कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस नहीं रही इंडिया की जितनी वो सोच रहे थे हालांकि उन्होंने काफ़ी लोग को रेस्पी किया हुआ था कोहली नहीं खेला था रोहित शर्मा ने खेला था वो सही है लेकिन आ, इंडिया यू वड स्टिल एक्सपेक्ट टू वेन और उसके अलावा भी काफी नया टैलेंट आ रहे हैं किसी को भी इन दो मैच और टी ट्वेंटी लेकिन हाँ तो थोड़ा सा जो है ना इंडिया इतना मुझे कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा अच्छा मैं उसी की वजह से इंडिया के ऊपर कॉन्फिडेंस का इजहार करूंगा क्योंकि अब अब वो 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 हो जाएंगे ना भूखे शेर क्योंकि हार कर आ चुके हाँ, हैं। ये तो ये भी they will learn from their mistakes. ये भी है। है। so तो अब 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 और चोक ना कर जाए बड़े टूर्नामेंट बड़े स्टेज पे लेकिन स्टिल व्हाटएवर दे गोना डू दे डू इट राइट नाउ इन श्रीलंका पाकिस्तान लेकिन इंडिया का जो uh, एक कॉन्स्टेंट मसला चलता हुआ आ रहा है ना बहुत सालों से hmm. वो है उनका मिडल ऑर्डर आफ्टर कोहली नंबर फोर नंबर फाइव नंबर सिक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना फ्लक्चुएट करते रहे हैं टू थाउजेंड नाइनटीन वर्ल्ड कप भी अगर याद हो तो वो इसी वजह से हारे थे वो और अभी तक जब से युवराज सिंह और एम एस धोनी एम एस धोनी वनडे से रिटायर हुआ युवराज सिंह गए नंबर फोर पे कोई परमानेंट प्लेयर नहीं खेला है के एल राहुल काफ़ी अर्से से खेल रहा है लेकिन इतना कंसिस्टेंसी कि उसके भी इश्यूज़ हैं मैचेस कभी फिनिश इतने ज़्यादा नहीं कर पाया वो जितने लाइक युवराज वगैरह का तो नेक्स्ट ही लेवल था तो पता नहीं क्यों इंडिया सीख नहीं पा रहा इस इस इशू को रि रिकवर नहीं कर पा रहा मतलब इसको ओवरकम नहीं कर पा रहा बेसिकली उसका लेकिन नुकसान क्या उठा रहा है वो इंडिया नुकसान यही मेजर मेजर टूर्नामेंट्स नहीं जीता ना यही वो जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे ये इसी वजह से वो हो रहा। फाइनल्स तो खेल ही रहा है लेकिन फाइनल खेल रहा है लेकिन वो यही होता है ना बेसिकली हो ये रहे उनके जो टॉप ऑर्डर है बहुत जबरदस्त है तो टॉप ऑर्डर उनको मतलब फाइनल सेमीफाइनल फाइनल यहाँ तक तो लेके आ रहा है वो जो लेकिन अब वो वही मैच होता है जिसमें टॉप ऑर्डर नहीं चल पा रहा तो वो मिडिल ऑर्डर में कोई चल ही नहीं रहा तो ये कौन ये अभी भी मसला है इंडिया का तो इसको लेकिन ये है कि यू वुड एक्सपेक्ट के एशियन पिचेस श्रीलंका लाइक उनका होम ग्राउंड टाइप का ही है तो इतना मसला नहीं होना चाहिए ये इनको मसले ज़्यादा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और इन जगह पे फिर भी ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ तो लाइक इनका ज़्यादा चली जाता तो आ, तो अब देखते हैं अच्छा चलो एक इंटरेस्टिंग जो अभी चल रहा था कमेंट्री इंडिया की टीम पे थोड़ी बात कर ली हमने आ, पाकिस्तान की टीम के अंदर इमाद वसीम को नहीं सिलेक्ट किया गया और वो एक काफ़ी काफ़ी एक डिबेट चल रही थी हमने डिस्कस भी किया था तो तुम्हारा क्या ख्याल है इमाद वसीम को होना चाहिए कि जा जा तुम स्पीक uh, ना वो वो गलत है टेंपल। सिंपली और फिर वो पीछे रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है जब इमाद वसीम ने शायद किसी एक क्रिकेट के लिए कहा था कि यार वो नहीं हुआ सिलेक्ट तो नहीं हुआ वी हेल्प इट ऐसा कुछ ने अच्छा, मैंने जब वो कप्तान था और वो किस क्रिकेटर के बारे में बोला था मुझे नहीं पता मैंने कोई मीम शीम देखी है तो बिल्कुल उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड किया पीछे से वो चल रही है और आगे बाबर अजम बैठा हुआ है बाबर आजम भी यही अल्फाज दोहराएगा एनी हाउ ये एक्सपीरियंसड है ऑलराउंडर है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऑलराउंडर है मेरा ठीक है यस yes, कुछ है आई डोंट नो लाइक कोई तो है मसला जिसकी वजह से वो नहीं सेलेक्ट हुआ आई एम नॉट चैलेंजिंग द सिलेक्शन कमेटी लेकिन जो प्लेइंग एलेवन है उसमें जगह बन रही थी इसकी एनी अब जो ग्यारह बॉयज हैं वो बस ठीक है मतलब इमान नहीं है नहीं है लेट्स मूव मूव लेट्स ऑन हो सकता है इमान वसीम जो है वो हैज बीन बाय दैट यंग यंग टैलेंट नवाज नवाज तो नहीं है, था था नहीं, नहीं है है वैसे जो भी है लेकिन यंग शायद लोगों को नहीं पता होगा आज हां नहीं एस्टैब्लिश्ड है थोड़ा हां सही बात तो वो इस्टेब्लिश्ड ऑलराउंडर को पीछे करके नवाज़ आया है इसका मतलब एल पी एल में भी उसने परफॉर्मेंस दी है पीछे मेलबर्न uh, में उसने परफॉर्मेंस दी है बड़े स्टेजेस पे ऑलराउंडर वो भी है जितवाया उसने भी है पी एस एल में भी बहुत सारे इसने काम किए ये वो जडेजा वाली फीलिंग देता है ये थोड़ी हाँ वैसे नवाज थोड़ा सा मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ उसके बारे में लेकिन वो इमाद वसीम को न, ना ना सेलेक्ट करने के लिए ना वो यही मेन रीज़न है कि कितने लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाएंगे टीम के अंदर नवाज हट नहीं सकते क्योंकि सबसे बड़ी बात लास्ट ईयर इंडिया के खिलाफ एशिया कप में नवाज ने तो जितवाया था तो उसको कैसे छोड़ सकता था आ, ये जो भी बैटिंग करा था कुछ भी करके आई थिंक टीम में डालना चाहिए नवाज के साथ बॉलर बैट्समैन तो है लेकिन कैप्टन मटीरियल अभी नहीं है हाँ, सही बात है थोड़ा उसका और वो थोड़ा एग्रेसिव टाइप का प्लेयर है ना माधुसीम लाइक थोड़ा इन रहता है वो चीजों में और आएव 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 थोड़ा आएव आएव मुझे आएव आएव फिर सबसे मीडिया uh, और वो बैटिंग भी कर... अच्छी करी थी उसने तरफ uh, से शायद पूरी बैटिंग वही करा करा था। था uh, तो बहुत था बट एट द एंड ऑफ है किसी को लूज आउट करना होता है चलो ये ये हो गया अच्छा अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर अच्छा बाकी बॉलिंग वॉलिंग हमें पता ही है प्री सॉर्टेड आउट शाइन वाइन नसीम वसीम मतलब लाइक अच्छे अच्छा बॉलिंग लग रही है पिच क्या तुम बोलोगे पिच पे चलेंगे या स्पिन का उतना ही इक्वल uh, uh, होगा कॉन्ट्रीब्यूशन uh, क्योंकि वी ऑलवेज रेट आर फास्ट बॉलर्स ठीक है सॉरी टू सेम मुझे कोई वैसा वाला आउटपुट नहीं दिखा अब तक ठीक है

वर्ल्ड uh, की अगर बात करें ग्राउंड पे रियलिटी यही है कि भाई आपका स्पिनर है एशिया कप है एशियन पिचस पे आई डोंट नो पिच कैसा बिहेव करे और पूरा डेड हो जाए सारा बॉल hmm. शाहिन अफरीदी का जो कि हमने बहुत ज्यादा देखा भी है कि हो भी सकता है हो भी सकता है तो इस वजह से हमें बिल्कुल नसीम वसीम और शाहीन वाहन ये सब पे डिपेंडेंट नहीं होना हमारा नवाज उतना ही uh, बड़ा मैच uh, विनर होना चाहिए जितना शाहीन को हम रेट कर रहे हैं क्यों वी आर नॉट प्लेइंग

<laughs> लेकिन यह है कि जो रैंकिंग है मुझ लाइक इमाम की बहुत अच्छी एवरेज है फखर जमान की भी अच्छी एवरेज है और दो, दोनों ने क्रंच सिचुएशन में मैं कहूँगा खेल लिया है कुछ हद तक इमाम रह, मैं अगर रेट करूँगा अपना तो जाहिर है मैं बाबर हजन तो ऑफकोर्स सबसे ऊपर है लेकिन यह है कि उसके बाद अ, मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं मुझे फ़खर जमान पर स्पेशली इमाम के बारे में मैं 50 -50 हूं। मैं हमेशा से बहुत वोकल रहा हूं। मुझे हक शुरू में बिल्कुल भी नहीं नहीं पसंद था hmm. लेकिन उसने अपनी डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है hmm. और काफी अच्छी भी uh, दफर राना बॉल खेलता है वो uh, जहाँ पे थोड़ा अग्रेसिव खेल सकता I know, जैसे ही वो एंटर हुआ था उसको सबने आड़े हाथों लिया था भान जाए टॉक वेली ही इज ऑन टॉप फाइव टॉप टेन तो वो हम कुछ भी करें हमारी पर्सनल हो प्रेफरेंस होगी आपको पढ़ लेकर आ गया इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर दैट यंग गाय जिसका और वो हमेशा उसको भी पता है कि वो हमेशा ऐसे ही रहेगा आज़म को भी हम इसी तरह आड़े हाथों लेंगे उसका खैर अलग इशू है फिटनेस का लेकिन अभी फिफ्टी ओवर्स के मैच में ना टोटल टेम्परमेंट चाहिए होता है भाई अगर वो नाइन्टी फाइव नाइन्टी टू या एटी एट के स्ट्राइक रेट से भी जाता है और कैरी करता है इनिंग ही इज़ अ ओपनर ही फेज द फास्ट बॉल एज वेल एज़ द न्यू बॉल वो एक अलग ही सेटअप होता है ठीक है तो इमाम हक जिस कंडीशन पर आता है ना ही इज़ नॉट प्लेइंग थ्री डाउन और फोर डाउन तो वो रियल बॉल फेस करता है रियल पेस फेस करता है तो रहने दो वो इज अ गुड टैलेंट चलो देखते हैं अभी वो अच्छा नहीं हो रहा वो अलग बात है अच्छा ठीक इमाम उल हक जब से आया है कोई हमने बड़ा आई थिंक उसका पहला बड़ा टूर्नामेंट होगा शायद इमाम का शायद है ना क्योंकि वर्ल्ड कप में लास्ट में नहीं था वो अब और उसका वर्ल्ड कप भी पहला आएगा ओके चल हाँ ये है कि इसमें पता लग जाएगा कि इक्वली उतना ही वो सलमान बट वाली फीलिंग देगा सलमान भट्ट ने हमेशा इंडिया में जाकर और इंडिया के खिलाफ हाँ हाँ किया बहुत आला आठ सलमान भट्ट की अनफोर्चुनेटली अच्छा वही वाली रिस्क करेगा ना गेम वो इमाम इंडिया के खिलाफ फर्स्ट टाइम खेलेगा क्या

लेकिन वो एंड में वो वाला काम करेगा अपना जब पाकिस्तान कुछ नहीं कर रही होगी टॉप ऑर्डर तो वो कर सकता ही कैन बेट इज लेकिन वो टी ट्वेंटी टाइप का स्पेशलिस्ट है फिफ्टी ओवर्स में टेम्परमेंट चाहिए कैरी करनी है पूरी इनिंग एंड वी विल सी हु कैन कैरी मामूल हक शुड भी देयर शाह मसूद आजम और वो है रिजवान है ना रिजवान तो तो चार चार लोग हैं जो टेम्परमेंट दिखाते हैं बाप रिजवान के अंदर थोड़ा सा फुटवर्क लगता है कि

हाँ। कर लेंगे अभी यशस गुजरा है जिसका एपिसोड हम नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली उसमें भी जो मेरे ऑसी फ्रेंड्स थे उनसे बात हुई कोई भी इंजॉय नहीं करता यार मोर देन लाइक यू नो लारा ने चार सौ बना दिए वी आर नॉट हेयर टू सी ओनली वन टैलेंट है ना बैटिंग बैटिंग या जॉन्टी रूट्स की फील्डिंग देख रहे हैं इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन श्रीलंका में हो यही उम्मीद करता हूँ कि यही हो कि यार तीनों फॉर्मेट दिखे मतलब एक मैच में ये नहीं हो कि सिर्फ बैटिंग लेकिन इतना लंबा मैच पचास ओवर तो देखना नहीं है ना यार पचास पचास हंड्रेड ओवर लेकिन ऑल द टाइम के बैटिंग ही दिख रही हो बैटिंग तो पिच अब पिच का तो देख के ही पता चलेगा ना पिच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सी दैट लेकिन आई होप सो के यार जो इंतजामिया है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ये वो पिच अच्छी बना मुल्तान मुल्तान में पहला मैच है एशिया कप का अच्छा वो मैचेस स्व हो रहे हैं कभी वो लाहौर पहले मुल्तान फिर श्रीलंका फिर लाहौर पता नहीं कैसे मैनेज होगा बट आ, कैसे होगा क्या होगा आई आई होप पुट सेल्फ शूज यार कि मैं बोलूंगा तुम लोगों के जो चूहा बिल्ली के खेल में ना हमारी तो हेल्थ की हो रही है ठीक ठाक वाली

बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि दूसरी टीम है आसानी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल और पाकिस्तान जीते तो मुझे अच्छा लगेगा हम्म गुड गुड मेरा प्रेडिक्शन ये है कि इट्स गोना बी इंडिया वर्सेस श्रीलंका हम्म इंडिया वर्सेस श्रीलंका फाइनल फाइनल ओके आई नो इट्स गोना विन श्रीलंका श्रीलंकास गोना विन ओके तो पीछे बस यार थोड़ा बैकअप कर रहा हूँ स्टेट्स वगैरह की वजह से छः दफ़ा चैम्पियन है सात दफ़ा इंडिया चैम्पियन है फर्स्ट ऑफ ऑल ये दूसरा लंका में मैच हो रहा है तो वेन दे विल बी इन द फाइनल ऑफिसली वो अपनी पूरी एडी चोटी का जोर लगा देंगे वाई आई एम नॉट पुटिंग पाकिस्तान एज अ फेवरेट जो मैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान छाए फाइनल में और जीते भी क्योंकि पाकिस्तान फिफ्टी ओवर्स का मैच है यंग टैलेंट्स हैं मुझे टफ लग रहा है इफ़ इट वुड हैव बीन टी ट्वेंटी मैच और टी ट्वेंटी टूर्नामेंट आई वुड हैव सेड के पाकिस्तान फाइनल तो खेलने ही वाला है भाई सारे स्पेशलिस्ट तो पाकिस्तान के पास ही हैं टी ट्वेंटी का बॉलर स्पेशलिस्ट पाकिस्तान के पास है बैट्समैन है ये वो लेकिन फिफ्टी ओवर्स में यार आप मैं नहीं देख रहा मतलब किस तरह आप कैरी करोगे चीज़ें अगर कोई चौक कर गया बाईस पे तीन हो गए उसके बाद आगे कौन करेगा कैरी इट्स नॉट अबाउट आफ्री रजाक और एंड में वकार वसीम आ रहे हैं और कुछ सकलेन मुश्ताक आ रहा है और ये कर रहे हैं और फिर वो बॉलिंग में वो कुछ जादू दिखा रहे हैं ये सब बड़े नाम नहीं हमारे पास अनफॉर्चुनेटली तो वी हैव टू शो द रियल स्किल्स ऑन द फील्ड और वही है कि होम ग्राउंड है बहुत सारी चीजें तो ये दिमाग तुम्हारा पाकिस्तान uh, और इंडिया तो है वो तो वैसे हाँ श्रीलंका तो, की यंग टीम है मैं तभी उसको इस रेट तो, नहीं कर रहा लेकिन यंग यंग टीम यंग टीम थी, यंग टीम थी। नहीं खैर वैलिड पॉइंट वैलिड पॉइंट खैर एनीवे लेट्स एंड दिस सेशन ओवर हियर और फिर नेक्स्ट टाइम करता है किसी हाँ, और पॉडकास्ट में ओके थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू